घमंड किस बात का है दोस्तों, मंजिल तो सबका एक ही है। ये अंतिम पड़ाव है शमशान घाट, जहां चिताएं जलती हैं, और चिताएं सही से जलें और उससे कोई प्रदूषण ना हो, इसके लिए विद्युत शब्दाग्रह की व्यवस्था की गई है, जो बरारी के शमशान घाट पर है और जिसका संचालन नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इस शमशान घाट को इसलिए बनाया गया ताकि प्रदूषण न फैले, लाशों को जलाने से गंगा में अशुद्धि न फैले, हवा साफ और स्वच्छ रहे। लेकिन लाश जलाने के लिए लोग आज भी लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। शमशान घाट में लकड़ी विक्रेता भी बहुत हैं और पारी पारी से इनकी लकड़ियां बिकती हैं लाशों को जलाने के लिए। अमूमन 4 मन, 5 मन, 6 मन, उससे भी ज़्यादा, कई क्विंटल भी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में आस्था इस कदर हावी है कि वो प्रदूषण को दरकिनार कर देते हैं और लाशों को गंगा के किनारे जलाने से भी परहेज नहीं करते। लकड़ियां जलाई जाती हैं गंगा के किनारे और जलने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। गंगा हर दिन इसी तरह से मैली होती है और वातावरण प्रदूषित होता है लाशों और लकड़ियों के जलने से, उसके धुएं से। और तो और, जब लाश जलाने लोग आते हैं, गरीबी भूखमरी हर तरह के लोग आते हैं, तो उनके साथ सौदेबाजी ये तथाकथित राजा करते हैं और इन्हें बहुत पैसा चाहिए, लाखों हजारों, और लोग गिड़गिड़ाते हैं। गजब का तमाशा है ये, आइए आप देखिए। नहीं, बहुत भगवान बेला ना जीत करो।